हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। इस वीडियो में हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं झारखंड की राज व्यवस्था के बारे में। और झारखंड के राज व्यवस्था में हम आपको बताएंगे राज की कार्यपालिका और राज्यपाल के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और इसी प्रकार झारखंड संबंधित क्वेश्चन प्रत्येक दिन एक दिन छोड़ छोड़ कर हम बराबर आपको क्वेश्चन देते रहेंगे। और ऑफलाइन क्लासेस भी हम कराते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में हम पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं और रीजनिंग पढ़ाते हैं। और जीके जीएस वगैरह का पर डे हम टास्क दे देते हैं। हजारीबाग में हम पढ़ाते हैं, बाबूगांव चौक है, श्री राम पैलेस होटल है, उसी का जस्ट अपोजिट। आप लोग को नंबर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको नंबर दे देंगे, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया हुआ रहेगा। और टोटल क्वेश्चन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। कोशिश कीजिएगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और अपने से उत्तर देने का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद मेरा वीडियो देखिएगा और मिलाइएगा कि आपसे कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड, हम शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से और डायरेक्ट हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर पढ़ेंगे। तो चलिए समय ज़्यादा नहीं गंवाते हैं, तुरंत शुरू करते हैं। चलिए आते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन बोला है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका राज्यपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो राज्यपाल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो राज्यपाल आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग दूसरा नंबर सवाल में। और दूसरा नंबर सवाल बोला है राज्य की समस्त कार्यवाही किसके नाम से की जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, तो बी नंबर हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग तीसरा नंबर सवाल में। और तीसरा नंबर सवाल बोला है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल का जो नियुक्ति है वो करता है राष्ट्रपति। कौन हो जाएगा? तो राष्ट्रपति हो जाएगा आंसर। चलिए आते हैं हम लोग चौथा नंबर में। और चौथा नंबर सवाल बोला है राज्यपाल किसके प्रसाद पर्याप्त पद धारण करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति का, ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए आते हैं हम लोग पंचवा नंबर सवाल में। और पंचवा नंबर सवाल बोला है राज्यपाल की पदविधि कितने वर्ष की होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पंचमा का, तो पंचमा का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी पाँच वर्ष के। कितना? पाँच वर्ष के। चलिए आते हैं हम लोग छठा नंबर में। और छठा नंबर सवाल बोला है राज्यपाल के पद के लिए निम्नतम आयु सीमा क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, तो बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा, यानी 35 वर्ष। कितना हो जाएगा? तो 35 वर्ष हो जाएगा आंसर। चलिए आते हैं हम लोग संतवा नंबर में। और संतवा नंबर सवाल बोला है राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन ग्रहण करवाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका संतवा का, तो संतवा का हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? तो डी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी राज्य की उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है ना। ये बराबर क्वेश्चन पूछा रहे हैं, डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग अठवां नंबर में। और अठवां नंबर सवाल पूछा है राज्यपाल को निम्न में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका अठवां का, तो अठवां का आंसर हो जाएगा आपका, तो डी नंबर हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा आंसर, सेना शक्ति। चलिए आते हैं हम लोग नौवां नंबर में। और नौवां नंबर क्वेश्चन बोला है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्यपाल। क्या हो जाएगा? तो राज्यपाल हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? तो राज्यपाल हो जाएगा आंसर। चलिए आते हैं हम लोग दसवां नंबर सवाल में। और दसवां नंबर सवाल क्या बोला है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो दसवां नंबर आते हैं, दसवां नंबर बोला है राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है। राज्य की मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी राज्यपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो राज्यपाल हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। और 11 नंबर क्वेश्चन बोला है राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 11 नंबर का, तो 11 नंबर का होगा कौन करता है। तो इसका 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डी नंबर आंसर हो जाएगा।
चलिए आते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल में। और 12 नंबर सवाल क्या है ये जानते हैं। 12 नंबर सवाल बोला है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 12 नंबर का, तो 12 नंबर का भी आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग, यानी राज्यपाल हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग 13 नंबर, और 13 नंबर बोला है, 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, बोला है क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करते हैं, करता है। इसका हाँ या नहीं होगा आंसर, बताइए। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी हाँ है ना, 13 का क्या हो जाएगा, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग अगला सवाल में, यानी 14 नंबर में। 14 नंबर बोला है, राज्यपाल विधानसभा में एग्लो भारत समुदाय के कितने व्यक्ति को मनोनीत कर सकता था, कर सकते थे। देखिए कारण है, जो आपका एंग्लो इंडियन समुदाय का जो व्यक्ति है वो अभी हटा दिया गया है भारत में, आपका झारखंड में एक सीट था उसको हटा दिया गया है ना। पूछ सकता है केमा संशोधन, तो आप उत्तर दीजिएगा 126वां संशोधन, कितना, तो 126वां संशोधन के थ्रू है ना हटा दिया गया है। और कब हटाया गया है पूछ सकता है, तो आप उत्तर दीजिएगा 2020 में, कब 2020 में ये पद हटा दिया गया है। कितना किया जाता था पहले, तो एक व्यक्ति को, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, यानी एक व्यक्ति को। चलिए आते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में, और 15 नंबर क्वेश्चन बोला है, 15 नंबर क्वेश्चन बोला है, राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 15 का, तो 15 का हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी राज्यपाल के शिक्षा, राज्यपाल हो जाएगा है ना। 15 का हल्का मिस्टेक हुआ है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। क्या गलती है इसमें हम आपको बता देते हैं, ये जो शिक्षा मंत्री है हल्का सा ये हो गया है, गलत हो गया है। इसका जो आंसर होगा आपका तो हो जाएगा बी नंबर, यानी राज्यपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो राज्यपाल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, यानी ये आपका शिक्षा जो मंत्री है ये आपका गलत है, इसका जो आंसर डायरेक्ट है कौन है, तो राज्यपाल है, राज्यपाल है। क्या है, 15 का आंसर, तो राज्यपाल है। चलिए आते हैं हम लोग अगला सवाल में, यानी 16 नंबर में, राज्य के विधानमंडल के सत्रवासना करने या सत्र बुलाने तथा विधानसभा के विघटित करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 16 नंबर का, 16 नंबर का ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा, यानी राज्यपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। चलिए आते हैं 17 नंबर में, और 17 नंबर बोला है, राज्यपाल को किस अपराध में दंडित व्यक्ति की सजा माफ करने या स्थगित करने और काम करने का अधिकार है। क्या वह मृत्यु दंड का भी माफ कर सकता है, तो नहीं, इसका आंसर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। वो आपका राष्ट्रपति का है, वो किसका है, तो राष्ट्रपति का है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 17 का, तो 17 का हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर। क्या हो जाएगा, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग अगला सवाल, यानी 18 नंबर में, और 18 नंबर सवाल बोला है, राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन के सिफारित करने की अधिकार है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 18 का, तो 18 का हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा है ना, 356 अनुच्छेद, 356 अनुच्छेद। चलिए आते हैं हम लोग 19 नंबर में, अब 19 नंबर सवाल बोला है, राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अभी महामारी के चलते अभी 30% वेतन काट के दिया दे रहा है, यानी 70% सिर्फ वेतन मिल रहा है अभी राज्यपाल को। तो धन्यवाद फ्रेंड मेरा वीडियो देखने के लिए, इसी प्रकार वीडियो मेरा देखते रहिए और मेरा वीडियो को शेयर कीजिए। और आप लोग ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो हजारीबाग में हम पढ़ाते हैं, मेरा नीचे नंबर दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप लोग कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ रहेगा, या हम नंबर अभी लिख देते हैं। तो पर जो नंबर है 7906344233 नंबर है मेरा। तो थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद। चलिए
तो अगला वीडियो हम इससे एक दिन छोड़ के अगला वीडियो हम आपको देंगे। तो धन्यवाद फ्रेंड।